अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। नामपल्ली केयर हॉस्पिटल में मरीजों के साथ बदसलूकी की जा रही है और लापरवाही भी की जा रही है। एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला। आईसीयू में करंट नहीं रहने की वजह से मरीज परेशान थे और उनके घर वालों की जानिब से बेचैनी पाई गई। जब डॉक्टरों को तलब करने की कोशिश की गई लेकिन डॉक्टर भी कोई मौजूद नहीं थे और सिक्योरिटी गार्डों की जानिब से इनके साथ बदसलूकी की गई। बाद में क्राइम टुडे से बात करते हुए इन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। अलीम साबिर के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हम मीडिया वाले भाई, हम लोग आईसीयू के अंदर नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, बाहर ठहर के बराबर हमारी को इतना है। बशीर आजम जो है, मेरी वालदा सजिया बेगम जो है हॉस्पिटल में रहती थी, इनको जो है एड्रेनल प्रॉब्लम चलाया गया था। उसके बाद में जो है इनको MICU वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो आज जो है, कल शिफ्ट करने के बाद जो है, आज मैं सुबह सुबह जो MICU वार्ड आया 7 बजे सुबह, तो MICU के अंदर पूरा ब्लैकआउट था। 7 बजे जो है कम्प्लीट ब्लैकआउट रहने सारा हमला छोड़ा था। 7:30 बजे में फिर नाव बरकरा जो है फिर हमला छोड़ा था और 8 बजे के बाद जो लाइट बच्चे जो है मेरी माँ का जो मेरा फिर चला था, सारा हमला खोया हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चे चाहे जो 1,00,000 रुपये जो फिर से ज़्यादा लिए हैं और जो है मेरी माँ को जो है मेरे को कुछ देखने का मौका नहीं मिला। और यहाँ पे जो है गंदगी वगैरह भी है और लिफ्ट काम नहीं कर रही और जो मतलब जो काम नहीं कर रहा, इतना चार्जेस लेने के बाद भी जो है पेशेंट कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है। इवन जो है पेशेंट का एक अटेंडर का कार्ड बनाने के लिए 350 रुपये ले रहे हैं लोग। इसका मतलब क्या है? जबकि आज एक दिन किसी को 1,00,000 रुपये लिए हैं, 350 रुपये लेने का मतलब क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ जो है केयर हॉस्पिटल एक्चुअली नो केयर है एक्चुअली फॉर पेशेंट के लिए। मैं जो है सुश्रीता कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरा नाम बशीर आजम है, मैं जो चीफ मेडिकल प्रोसिस्ट हूँ। तो हम भी लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, हमारे भी जो है हम भी जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं कैंसर हॉस्पिटल में। तो हमारे वार्ड जो है खुले रहते हैं, अगर कोई आके मिल सकता कभी भी ICU वगैरह में किसी को। ये क्या मतलब है कि भाई एक जो है 7 बजे भी अगर ICU के लाइट पूरे बंद हैं तो अगर पेशेंट को कुछ हो गया, अगर पेशेंट गिर गई ICU में तो फिर कौन जिम्मेदार है? अगर पेशेंट मर गए तो लोग क्या बोलेंगे? तो कम से कम ICU का जो लाइट तो ऑन होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, हमको इजाज़ देना चाहिए अंदर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। आप बात कर रहे हैं डॉक्टर से? डॉक्टर वगैरह पूरे 8 बजे के बाद आए थे। जब मैं बात करा तो भाई वो लोग बोले नहीं, अब हम लोग आराम कर रहे थे ऐसा बोला। जबकि लाइट पूरी लाइट बंद थी 8 बजे तक, और बाहर गंदगी वगैरह है, मेटल डेटर काम नहीं कर रहा और लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है, लिफ्ट ख़राब है। आप समझ सकते हैं इतने बड़े दवाखाने में जो है बेसिक फैसिलिटी नहीं है, उसका मतलब फिर चार्जेस क्यों ले रहे हैं लोग इतने ज़्यादा? क्या वजह है चार्जेस लेने की? और एक ICU MICU का पेशेंट कम से कम 50,000 रुपये में पे करता है। 50,000 रुपये एक दिन के देने के बाद भी अटेंडर की फैसिलिटी नहीं है तो मतलब क्या है? अटेंडर की सुविधा के लिए खाली ICU में जो है डॉक्टर रख सकते हैं ताकि उसकी आराम कर सकते हैं।